हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने जेई 2020 के ऑनलाइन क्रैश कोर्स को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे लास्ट सेशन में टॉपिक जो चल रहा था, इंटीग्रेशन का टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बेसिकली अगर हम उसको अपने जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हर साल जेई मेंस ने इंटीग्रेशन टॉपिक से हर साल मिनिमम 3 क्वेश्चंस, तो मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस तो आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं बेसिकली। और अब आज हम लोग देखिए, जब आप लोगों का क्या होता है, अगर एग्ज़ाम के जैसे जैसे डेट्स नियर आती जाती है, तो आप लोगों को उन टॉपिक्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनमें कम मेहनत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अभी आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप अप्रैल 2019 का अगर आप एग्ज़ाम में अगर पेपर देखते हैं अपना, तो उसमें ही आप ये देखेंगे कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके ऊपर उन लोगों ने जेई मेन्स के क्वेश्चंस पूछे हैं। बेसिकली जेई मेन्स के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो आपको आगे चलकर जब आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे तो आपको बहुत आगे चलकर काम भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसी टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखेंगे कि एक ही कॉन्सेप्ट पर अगर आप अप्रैल 2019 के, मैं आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा साथ में, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के साथ में, और आप देखेंगे कि जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर हमारे अप्रैल 2019 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे, बेसिकली वो सब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस थे बेसिकली। तो आज हम लोग अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का आज हमारा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। बेसिकली इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है इसका लीनियर इक्वेशन ये है। देखिए, जब भी हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, बेसिकली ये हमारी जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हमारी हमेशा इस फॉर्मेट की होगी, dy अपॉन dx p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। ओके, ये हमारा बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमारा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा एक टर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेसिकली? अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ए टर्म विच ऑन मल्टीप्लाइंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी इंटीग्रेटेड। ओके, तो इसके लिए अगर हमारा इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ x dx। यहाँ पर अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्या है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म? dy अपॉन dx और p ऑफ x एंड y इज इक्वल टू q ऑफ x। हियर p ऑफ x इज द वनली फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, एंड ऑल्सो q ऑफ x इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x। ओके, तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर px dx। ठीक है, अगर अब हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अब आपका जो भी एग्ज़ाम के 20 डेज अब आपके अराउंड शेष बचे हुए हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको सीधा ये बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको कैसे यूज़ करना है। तो इसमें अब आपका जो सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या आएगा? y इंटू आई ऑफ एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल q ऑफ x e टू द पावर इंटीग्रल p ऑफ x और dx एंड प्लस c। ओके, ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, किस स्टैंडर्ड फॉर्म में? dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू qx, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग अब ये देखते हैं, देखिए इसका हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं और
2019 की अगर मैं आपको आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखें, करीब 8 to 9 क्वेश्चंस पूछे गए, और सारे जो भी जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो बेसिकली सब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। तो जिसमें से हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमें इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो हमारी जो इक्वेशन दी हुई है, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है बेसिकली, ओके। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना। अगर आपको कोई भी एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं, देखिए इसके मेथड्स तो करीब और 5 to 6 मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले यही बोलूँगा कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप सबसे पहले उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड ट्राई करेंगे। और बहुत ही आसान मेथड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको इसमें जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स प्लस 2x into x² प्लस 1 into y इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन था बेसिकली। और आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप हर साल एग्जाम में देखेंगे तो एक मिनिमम नंबर का क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो अब हम ऐसे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने अपने इसको इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 2x अपॉन ये 1x² प्लस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो अब आपका डिनोमिनेटर में एक ये बचेगा इंटू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हमारी जो इक्वेशन है, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेसिकली। तो अब हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना है। हमारा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x अपॉन x² प्लस 1 dx, ओके। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ई की पावर और लॉग ऑफ x² प्लस 1, ठीक है। ये 2x अपॉन x² प्लस 1, इसका जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो आपका ये आएगा। तो यहाँ पर जो आपका बेस है ई है, तो ये लॉग एंड ई ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा x² प्लस 1 ये। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, x² प्लस 1, ओके। तो अभी हमने क्या इसका देखा था, बेसिकली जो हमारा सॉल्यूशन था वाई इंटू आई एफ, ये भी आपका आई एफ ही लिखा हुआ है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन होता है बेसिकली। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो इस इक्वेशन का हमारा जो सॉल्यूशन होगा वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू ऑफ एक्स आई एफ एंड डी एक्स प्लस सी, ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वाई इंटू एक्स, ये हमारे पास आई एफ क्या है बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, एंड क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस 1 into dx प्लस सी। तो ये आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट वाई ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस x² डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अब उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक बाउंड्री कंडीशन दी है सच दैट वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1 प्लस x² प्लस सी। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो इसका अब हमारा जो सॉल्यूशन आ गया बेसिकली वाई ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस सी।
ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी ये जो हमारा जो इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है बेसिकली सी, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके लिए हमें उसने हमें कंडीशन दी हुई है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो वी गेट, ये हमें कंडीशन गिवेन है, इसका मतलब है व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो देन वाई इज इक्वल टू जीरो। तो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू, तो जीरो इंटू जीरो स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो प्लस सी। सो वी गेट सी इक्वल टू जीरो। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो उसने अब हमसे क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा है, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अब हमें ये वैल्यू जो दी हुई है ए अंडर रूट ए वाई ऑफ वन, इसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवेन है। बेसिकली क्या हमें गिवेन है, अंडर रूट ए वाई ऑफ वन इज इक्वल टू पाई अपॉन 32, ये हमें वैल्यू गिवेन है। देन उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कंडीशन गिवेन है, तो अब हम लोग यहाँ से वाई ऑफ वन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन से। सो वाई ऑफ वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टेन इनवर्स वन। ओके, सो वी गेट वाई ऑफ वन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पाई अपॉन फोर और इंटू टू। सो वी गेट वाई ऑफ वन इज इक्वल टू पाई अपॉन एट। ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब ये वाली जो वाई ऑफ वन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ए, और वाई ऑफ वन की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, पाई अपॉन एट, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 32। ओके, तो पाई एंड पाई कैंसिल हो गया, आपका अंडर रूट ए इज इक्वल टू 1/4। सो ए इक्वल टू, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड सो वी गेट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और भी मैं क्वेश्चंस ट्राई करता हूँ अप्रैल 2019 के, और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट, अगर आप सारे क्वेश्चंस आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व वाई इज इक्वल टू दिस दिस, यहाँ पर इसने हमें क्या दिया हुआ है, इसके स्लोप की वैल्यू दी हुई है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू दी हुई है इसके स्लोप की। कह रहा है इफ कर्व पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ कर्व पासिस सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। दिस इज द बेसिकली दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो वी गेट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, बेसिकली प्लस वन ऐड किया, तो राइट हैंड साइड पे एक प्लस वन इसके लिए एंड एक प्लस वन वाई के साथ के लिए, तो ये दिस इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, सो 2 यानी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड सेंटर क्या है इस इक्वेशन का, बेसिकली 1, 1। ये हमारा, तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, 1, 1। अब उसने हमें क्या बोला है, बेसिकली इफ द कर्व पासिस, तो अब हमें सबसे पहले अपना कर्व हमें नहीं अभी पता है बेसिकली, तो उसके लिए उसने हमें ये डेरिवेटिव दे दिया है। तो अब हम इसको, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली सॉल्व करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जो वैल्यू है इसको आप लिखेंगे 1/2y इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, वी गेट व्हाट इज दिस, 1/2 एंड लॉग वाई इज इक्वल टू, इसका आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स की पावर -2 है, तो माइनस
एक्स की पावर माइनस टू का आपका हो जाएगा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ओके। यानी इसका हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन हमारा आ गया माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस सी, एंड दिस कर्व पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ओके। सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो वट इज दिस, हियर एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन, सो वी गेट वन अपॉन टू लॉग वन इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस सी। दिस इज लॉग वन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सो वी गेट सी इज इक्वल टू वन, ओके। सो वी गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। वट इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, वन अपॉन टू लॉग वाई, ठीक है, लॉग वाई एंड माइनस वन अपॉन एक्स एंड दिस वन माइनस वन अपॉन एक्स। हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ सी। वट इज द वैल्यू ऑफ सी, एंड वैल्यू ऑफ सी, सो सी वैल्यू ऑफ सी इज वन। सो वी गेट द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, ओके। फिर अब हमें उसने बोला है कि इसमें से अब हमारे हमारा क्या सोल्यूशन होगा। अगर हम देखते हैं तो इसको हम इस फॉर्मेट में लेके आते हैं बेसिकली, तो हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा अगर आप इसका एलसीएम लोगे, तो लॉग मॉड वाई अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। सो वी गेट द सोल्यूशन लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस का वन, दिस इज द सोल्यूशन, ओके। सो वी चेक द ऑप्शन टू इंटू दिस एंड हियर वी हैव द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। वट इज द एक्स लॉग मॉड वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस का वन, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया आंसर इसका, ठीक है। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत इजली तरीके से, अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं इस समय कि अगर आपने अपना इंटीग्रेशन आपने प्रिपेयर अच्छे से कर लिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, तो आप मिनिमम जेई मेंस के एग्जाम में आपको मिनिमम फोर क्वेश्चंस तो एग्जाम में आने ही आने हैं। तो इस तरह से आपके 16 मार्क्स आपके आप बहुत कम टाइम में अपना सेव कर सकते हैं, 16 मार्क्स आप बहुत इजली गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये हमें इक्वेशन दी हुई है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये भी आपका अप्रैल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, ओके। नाउ अगेन दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू दिस, ओके। सो हियर पी ऑफ एक्स दिस एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके। सो वी गेट पी ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ये, ओके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल 2 अपॉन एक्स डी एक्स, ओके, e टू द पावर 2 लॉग एक्स, ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर एंड लॉग लॉग, सो वी गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ अगेन द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, y इंटू एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रल, व्हाट इज क्यू एक्स, क्यू एक्स इज दिस एक्स, दिस इज क्यू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी, ओके। सो हियर y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, दिस इज एक्स क्यूब, सो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. Here condition is this, y of 1 is equal to 1, okay?
y of 1 is equal to 1. Now if we put the value of x equal to 1 when x is equal to 1 and then y is equal to 1. So we get 1 is equal to 1 upon 4 plus c. Okay. So c is equal to 1 minus 1 upon 4. This is 3. The value of c is 3 upon 4. So our solution is y into x square is equal to x to the power 4 upon 4 minus plus 3 upon 4. What is the option? What is the our option here? We get this. Okay, option B is true. This equation, x to the power 4 option, here option is A is true. Okay, how y is equal to, when we divide this equation, x square upon 4 plus 3 upon 4 x square. Okay, so here we match the option first, x square upon 4 plus this. So our answer is this. Okay, option A is right. Very simple topic. Okay, so you can try and more previous year questions, or you can do practice. Okay, now next question is this. Okay, this is also based on linear equation. Okay, बहुत बहुत ही important हमारा जो topic था और इसके जो questions हमसे discuss किए गए थे, basically ज़्यादातर mostly उन्होंने जितने भी questions पूछे थे, अगर मैं आप खुद अप्रैल 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे तो अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस आए थे, और जितने भी क्वेश्चंस थे सब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे. इसलिए मैं आप लोगों को ये जरूर बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करें, और अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. ठीक है, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन है dy अपॉन dx माइनस cos x ये इंटू y sin x इज इक्वल टू 6x. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन dy अपॉन dx माइनस 10x into y is equal to 6x upon cos x, yani sec x. This equation can be written as this. So here if is equal to e to the power p minus ka 10x and dx. Okay, so here is equal to e to the power minus log 10x का आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन log और sec x. ठीक है, ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया. तो वी गेट e टू द पावर log 1 अपॉन sec x. ओके, हियर e एंड log x कैंसिल, सो वी गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x is equal to cos x. Okay, so integrating factor of this differential equation is cos x. Okay, now so solution of this differential equation y into cos x is equal to integral 6x sec x into cos x, ठीक है, into dx and plus c. Okay, so we get y of cos x is equal to 3x square plus c. Here what is the boundary condition? So when y of pi by 3 is equal to 0, so we get y of pi by 3 going to cos pi by 3, and this is equal to 3 into, what is the value of pi by 3? Pi square upon 9 plus c. So we get minus pi square upon 3. Okay, now we put the value of here. Okay, so we get y of cos x is equal to 3x square minus pi square upon
pi square upon this. So this is the solution of our equation. But what is to be find? Okay, हमें क्या find out करना था यहाँ पर? हमको y of pi by 2 की value find out करनी थी. तो here we put the value of pi by 2. We put the value of x is equal to pi by 6. Sorry. So y of pi by 6, when we put the value of x pi by 6 and cos pi by 3, cos pi by 3 की हमारी जो value होगी under root 3 upon 2 is equal to, और here 3 into pi square upon 36 minus pi square upon 3. Okay, so we get y of pi by 2, y of pi by 6, sorry, into under root 3 by 2 is equal to this is pi square upon 12, pi square upon 12 minus pi square upon 33. Okay, so we get pi square upon 12 minus 4 pi square upon 12. This is equal to minus 3 pi square upon 12. Okay, we get minus pi square upon 4. Okay, so y of pi by 6, y of pi by 6 into under root 3 by 2 is equal to minus pi square upon 4. Okay, y of pi by 6 is equal to minus pi square upon 2 under root 3. What is the our option? Minus pi square upon option B is correct. Minus pi square upon 2 under root 3. Okay. So this is our value. Okay. Now we try the next question. If y of x is equal to y of x is the solution of the this differential equation. Here question is dy upon dx is equal to 10x minus y into sec square x. Okay, so our question was this. Clear? So we can write this equation dy upon dx is equation 10x into sec square x minus y sec square x. Okay, so dy upon dx is equal to plus y sec square x is equal to 10x into sec square x. Okay, what is the integrating factor? If is equal to e to the power integral p dx. Okay, so this is equal to integral e to the power sec square x dx is equal to e to the power 10x. So solution of our equation is this, y into e to the power 10x, y into e to the power 10x, okay, is equal to integral e to the power 10x into 10x into sec square x plus dx plus c. Now we put the substitution, 10x is equal to t, is equal to t. So we get dt is equal to sec square x dx. Okay, so we get phi is equal to e to the power t is equal to integral e to the power t into t plus c. Integration of this equation e to the power t into t minus e to the power t plus c. Okay, y of e to the power t. Okay, so solution of this differential equation is y into e to the power t
वाई इंटू ई टू द पावर टी इज इक्वल टू ई टू द पावर टी टी माइनस ई टू द पावर टी प्लस सी. ओके, हियर वी डिवाइड द दिस इक्वेशन बाई ई टू द पावर टी, सो वी गेट y इज इक्वल टू टी माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर माइनस का टी. ओके, तो अवर ऑप्शन इज, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था. हियर वी हैव y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी 10x की वैल्यू पुट कर देंगे. तो 10x माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर माइनस 10x. ओके, सो y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो वी गेट जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस वन प्लस सी ई टू द पावर जीरो, दिस इज वन. ओके, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू वन. सो अवर सोल्यूशन इज ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू 10x माइनस वन प्लस ई टू द पावर माइनस का 10x. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड आउट करना था y ऑफ माइनस पाई बाई द वैल्यू ऑफ y ऑफ माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू y इक्वल टू 10x माइनस वन प्लस दिस. सो y ऑफ माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल टू माइनस वन, 10 ऑफ माइनस पाई बाई फोर माइनस वन एंड प्लस e. So we get e minus 2. Our option is c option is true.